अगरची बाबुल हवाइज का लकब हर किसी को नहीं मिला है, चंद अशखास और चंद हस्तियाँ ऐसी हैं जिनको बाबुल हवाइज का लकब मिला है, लेकिन अगर जनाब मुस्लिम के तवसुल से भी अगर दुआ जाए तो वो दुआ भी कभी रद्द नहीं होगी। कि आयतुल्लाह शेख बाकी शरीफ कशी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, सब जानते हैं उनके बारे में। वो अपनी शोहरे आफा किताब मौसुआए सीरत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और वो 40 जिल्दों की किताब है, 40 जिल्दों की किताब है वो लिख रहे थे। दरमियान में वो बीमार हो गए, मरीज़ हो गए और यहाँ नजफ़ अशरफ में किसी अस्पताल में गए तो नजफ़ अशरफ के उस अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा कि हम बेबस हैं, हम आपका इलाज नहीं कर सकते, आप बगदाद चले जाए। आयतुल्लाह शेख बाकर शरीफ कशी नजफ़ से बगदाद की तरफ रवाना हुए, कोफा की तरफ से। जब कोफा पहुंचा तो उन्होंने कहा कि मैं जनाब मुस्लिम ने अकील की ज्यारत करके बगदाद की तरफ जाना चाहता हूँ। आयतुल्लाह शेख बाकर शरीफ कशी मस्जिद कोफा में ज़रिए हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम के पास गए और यही दुआ की कि या मुस्लिम अकील, मैं आपको वसीला बनाकर खुदा की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मैं आप जिनके आप सफ़ीर हैं उन अहले बैत के बारे में मैं किताब लिख रहा हूँ, वो किताब मैं अभी मुकम्मल नहीं कर सका, आपके तवसुल से खुदा से यही इल्तिजा करता हूँ, आप मेरा वसीला है, आपके तवसुल से दुआ करता हूँ कि अगर मैं सेहत सलामत बगदाद से वापस नजफ़ आ सका तो ये सीरत अहले बैत ख़त्म होने के बाद, मौसुआ सीरत अहले बैत ख़त्म होने के बाद सबसे पहले मैं आपकी हयात पर, आपकी ज़िंदगानी पर एक किताब लिखूँगा। इसके बाद आयतुल्लाह शेख बाकर शरीफ कशी बगदाद की तरफ रवाना हुए और डॉक्टरों ने कहा कि आपका इलाज हो सकता है और ठीक ठाक होकर जनाब आयतुल्लाह शेख बाकर शरीफ कशी नजफ़ अशरफ वापस आ गए और उन्होंने मौसुआए सीरत अहले बैत ख़त्म करके एक और किताब लिख दी जिसका नाम रखा अस्सफीरुल खालिद मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलाम। और इसी किताब के मुकदमे ने उन्होंने ये वाक़िया भी जिक्र किया है। तो वाकई अहले बैत के घराने का हर फर्द खुदावंद मुताल के नज़दीक मुकर्रब है। बस अज़ीज़ान मोहतरम, वही मुस्लिम अकील था जो अमीर कोफा बनकर गया था लेकिन कोफे में पहुंचकर गरीब कोफा बन गया।